जिज्ञासा के माध्यम से खुशी दस टी आर एस क्लिप्स हिंदी हैपीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी दोस्तों अब आखिरी सेगमेंट पे आ, मैं एक्चुअली मैंने सिर्फ ये सेगमेंट प्री प्लान करी थी इस पॉडकास्ट के पहले क्योंकि शायद मेरे खुद के जर्नी में मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ इस फेज तक पहुँच चुका हूँ एम श्योर आप भी इस फेज तक पहुँच चुके हो चांटिंग यानी कि मंत्र जाप आपने पिछले पॉडकास्ट में कहा कि आप हर रात मंत्र जाप करते हो एम आई राइट यस कौन से मंत्र कर तो क्यों और यह भी पूछना चाहूंगा कि अगर आप आप एक मंत्र मंत्र बहुत टाइम के लिए करते आप उस मंत्र को और ज्यादा गहराई से जानने लगते हो जैसे कि मैं जिंदगी भर गायत्री मंत्र कर रहा हूं बचपन से बट तो अब मैंने एक किताब पढ़ी ओम स्वामी की एक किताब है गायत्री मंत्र मंत्री पूरी किताब है एक मंत्र के बारे में बहुत कुछ जाना उस किताब से पर उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने दूसरे मंत्रों के बारे में भी जाना कि मंत्र में किस तरह का पावर होता है और ये हर रिलीजन में होता है जैनिज्म बुद्धिज्म क्रिश्चियनिटी इस्लाम हर में होता है. आ, शब्दों में एक पावर होता है एंशियंट लैंग्वेजेस भाषाओं में प्राचीन भाषाओं में पावर होता है और ये सब कॉन्टेक्स्ट देने के बाद अब मैं आपको आपके मंत्र जाप के बारे में पूछना चाहूंगा कितने मंत्र करते हो अलग अलग मंत्र का काम अज्यूम ही हाँ अलग अलग सी आप सो so, कुछ है जो आप अपने काम के लिए करते हैं कि आप इन चीजों के लिए कि ये इसके लिए वो उसके लिए अलग सो बट so, एक मंत्र है जिसका मैं काफी जाप करती हूँ जो मेरा मेन मंत्र है दैट इज ओम नम शिवाय ओके okay. हाँ फर्स्ट थिंग कि मेडिटेशन जो हमने लास्ट में बात की थी मेडिटेशन के जो सब कुछ है वो है शिव जो हर वक्त समाधि में बैठते हैं तो हुँ. अगर आप समाधि के लिए आई मीन मेडिटेशन के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप जो गुरु हैं उनसे ही आपको करना चाहिए आई थिंक मुझे ऐसा लगता है तो मैंने उन्हीं से शुरुआत करी थी और जैसा आपने कहा तो उसको शास्त्रों के अनुसार कहते हैं मंत्रों की सिद्धि कि आपको एक मंत्र लीजिए और उसको आपको कंटिन्यू उसका ही जाप करना है और उस मंत्र की आप सिद्धि प्राप्त करते हैं कि अब उस मंत्र से ही आप सब कुछ करेंगे अब मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे वही मंत्र का जाप करना है मुझे इमोशंस uh, भी ठीक करने हैं अगर मैं सैड हूं जो भी हो, मैं उसी मंत्र का जाप करूंगी यानी उस मंत्र से अब मुझे जो चाहिए वो उसी से मिलेगा तो वो आप इतना करते हैं इतना करते हैं कि आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है वो मैं एग्जैक्टली exactly ये नहीं कह सकती कि इतने बार करने से आपको हो जाएगी क्योंकि हो सकता है आप लाखों बार कर ले, लेकिन बिना मन से कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा और मन से शायद दो बार करने से भी इंसान hmm. को सिद्धि प्राप्त हो जाए तो वो मंत्रों से आपको सिद्ध मंत्र सिद्ध हो जाते हैं आपके वो एक ही होना चाहिए माना गया है तो मैं ये मानती हूँ कि वो इतना जाप अच्छे से हो कि मैं उस मंत्र को सिद्ध कर आप मेडिटेशन करते हो ओम नमः शिवाय पे जी कितनी देर के लिए जैसा मैंने कहा फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट मिनिमम है उससे ज्यादा अगर बढ़ जाए तो बट ये एक रूटीन है कि इतना तो होना ही चाहिए हर रात हर रात ओके तो जब आप वो मेडिटेशन शुरू कर दो पहले हम पहले आपके मंत्रों से शुरू करते हैं तो आपके थॉट्स उस वक्त दिमाग में नहीं रहते हैं जैसा मैंने कहा स्टार्ट करते हो जाप से तो जब कुछ जाप कर रहे हो तो आपका ध्यान जाप पे ही रहता है क्या सोचते कुछ भी नहीं आपको सोचना कुछ है ही नहीं पर आपको दिखाई क्या देता अपने दिमाग

मैं अपने जाप से अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकती हूँ अगर मैं बहुत हाइपर हो रही हूँ मुझे टर्बुलेंस से बहुत डर लगता है फ्लाइट में हाँ, मैं ट्रैवल बहुत करती और मेरे लिए एक रोजाना की चीज है तो अगर हल्का भी टर्बुलेंस होता है मेरी माला शुरू हो जाती है वो मुझे शांत करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये की है कोई भी चीज मतलब जो भी चीज मेरे बैलेंस को खराब कर रही है वो मंत्र मुझे वापस बैलेंस में लेकर आता है ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है मेरे लिए तो भगवान का नाम है आप अपने अपने मतलब पर मेरे लिए वो शिव आप बाप जैसे मैंने कहा मैं, मैं स्पिरिचुअल होने के साथ साथ मैं काफी रिलीजियस हूँ तो मेरे लिए डिवोशन ज्यादा आता है मीनिंग हर बार जरूरी नहीं कि मुझे ढूंढना है मुझे पता है वो शिव जी का नाम है और मुझे पता है कि जो कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा कि कलयुग केवल नाम पर ही बेस्ड है भगवान का नाम लेने से भी आपका कल्याण हो सकता है आप मीनिंग नहीं भी जानो तो चलेगा नेक्स्ट नेक्स्ट मंत्र आई वुड से सिर्फ ओम कि आप जो वो एक और मेडिटेशन का रूप है हमने लास्ट टाइम इसके ऊपर बात भी की थी और उसका प्रोनाउंसिएशन है तो वो आप हो सकता है तीन बार नौ बार ग्यारह बार जैसे तो तीन इज मिनिमम और उसके बाद जितना ज्यादा आप कर सके वो भी है मेरे लिए तीन या ग्यारह होता है उसके बीच होता है टाइम पे डिपेंड करता है कई बार और से बोलता हूं। हाँ, वो जाप प्रॉपर जा, फिर भी मैं मन में कर लू पर वो लाइक प्रॉपर जाप होता है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप प्रनाउंस करते हो उसको और अच्छे वॉल्यूम में बोलते हैं तो वो एक तरीके से एक आलाप भी है कि आ ओ, तो वो बॉडी में वो फील होना चाहिए वो साउंड आना चाहिए और ये भी माना जाता है कि जो आप वॉटर थेरेपी कहते हैं मेडिटेशन में कि जब आप ये जाप करते हैं तो आप एक ग्लास में पानी रखें और वो जाप करने के बाद आप उसको पी लें तो जो उस साउंड की मंत्र की वाइब्रेशन है वो पानी में आई है देन यू नो यू टेक दैट वो वाइब्रेशन आप बाहर नहीं घूमने देते आप कहते हैं वो वाइब्रेशन मुझे चाहिए कि जाप तो मैंने किया पर उसका जो फल है या एनर्जी है वो भी मुझे चाहिए तो वो एक है एंड देन उसके बाद आई हैव कृष्णा का जाप यू नो वो, वो एक हैप्पी जाप होता है उसमें आई से से कि कि मैं बहुत सीरियस कृष्ण का नाम ले रहे हैं और दुर्गा जी का नाम ले रहे तो हैं कैसे ले तो मंत्र होता है कि आप सिर्फ ओम वासुदेव आये नमो तो आप उनका जाप कर रहे हैं ये आप दिमाग में कह रहे हो ये मैं दिमाग में भी कह सकते हैं आप हल्का सा हल्का धीरे धीरे भी कह सकते हैं बट बहुत जोर से नहीं आपके अंदर वो फील होना चाहिए आपको ओके अब नए मंत्रों जानने की कोशिश कर रहे हो हो या करते हो? नहीं मुझे क्यों नहीं? सर क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप सिद्धि एक ही मंत्र को लेकर होती है और उसी को लेकर आपको कंटिन्यू होना चाहिए और मैंने एक रूटीन बनाया है अपना तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उस रूटीन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो शायद आप नए जाप की ओर जा रहे हो मुझे अच्छा लगता है जानना कि आप मुझे कुछ बताएंगे कि ये जाप अच्छा होता है ना नाइस और अगर वो चलते फिरते आई कैन डू दैट कि मुझे जाप अच्छा लगा बट वो मेरे मेडिटेशन का एक प्रोसेस बनेगा आई डोंट थिंक सो अभी आई वुड से कि मुझे ऐसा लगता है मैं इस पर ट्रस्ट है मुझे कि यार जो भी चेंज मुझे चाहिए अपनी जिंदगी में यूनिवर्स में जो भी ये ये लेकर आएगा और जैसा कहते हैं ना कि आप जब किसी चीज पर ट्रस्ट करते हो तो फिर आप दूसरी ओर बढ़ते नहीं हो और अगर आप बढ़ रहे हो इसका मतलब आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो और डिवोशन ट्रस्ट के बिना नहीं चलता तो मंत्र तभी चलेंगे जब आपको उस मंत्रों पर ट्रस्ट होगा बिना ट्रस्ट के आई आई डोंट थिंक वो सिद्धि आपको मिल सकती है हाल ही में मैंने एक भजन की डिस्कवरी करी जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है स्पेशली इस फेज में इस पूरे पॉडकास्ट में मैं बहुत रो रहा था कि यार लाइफ में ये हो रहा वो रहा पर इस भजन से मुझे बहुत पावर मिल रहा यूट्यूब से डिस्कवर किया मैंने एक यूट्यूबर है जील आई थिंक उनका हैंडल साइबर जील है आ, और ये भजन का नाम है बजरंग बाण okay. जिस तरह से हनुमान चालीसा स्तुति हुई एक स्तुति मतलब भजन जिसे स्तुति माने जैसे हनुमान चालीसा एक स्तुति है वैसे ही बजरंग बाण पहली बार मैं शब्द सुना हाँ। क्या मतलब 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 नहीं मतलब ये जैसे आपकी आरतियां होती है एक बनाया हुआ है भजन यू कैन चेंज यू कैन चेंज द वर्ड्स Oh. अपने मन से आप भजन लिख सकते हो आप भजन बना सकते हो बनाने के बाद भी यू नहीं होती। you cannot okay. create हनुमान हनुमान चालीसा चालीसा स्तुति, स्तुति। तो जिस तरह से हनुमान चालीसा एक बहुत शुद्ध स्तुति है जहाँ आप सेलिब्रेट कर रहे हो हनुमान जी को बाण हनुमान जी के लिए चैलेंज है कि अगर आप सच में राम भक्त हो तो आके मेरी मदद करो तो उसमें ये भी कहा गया बजरंग बाण में आ, कि आपको हर आ, समय बजरंग बाण सुनने की जरूरत नहीं है सिर्फ जब हनुमान जी की जरूरत लगे तब उन्हें अगर आपको जल्दी से बुलाना तब बजरंग बाण यूज कीजिए मेरी इंजरी की वजह से मैं यूज कर रहा हूँ बजरंग बाढ़ हर दिन सुन रहा हूँ बजरंग बाण फिल्कि डेफिनेटली कुछ फायदे मैं बदल रहा हूँ मैं डिटैचमेंट ज्यादा सीख रहा हूँ फिजिकल uh, बॉडी की ताकत वापस थोड़ी स्लोली आ रही है पर डेफिनेटली आ रही है पर, ताकत बढ़ रही है. Uh, पर इसके अलावा हाल ही में नंदी सर की वजह से जो जिन्होंने हमें uh, तंत्र के पॉडकास्ट दिए उनसे मैंने कुछ तांत्रिक मंत्रों के बारे में सीखा आप जानना चाहोगे नॉलेज के लिए बिल्कुल अः okay. uh, तांत्रिक मंत्रों में जैसे ओ, एक शब्द होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है उसी तरह सनातन धर्म में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें एक अलग तरह की फ्रीक्वेंसी मैं कुछ बोलूंगा फिर आप ये कहो कि आपको क्या महसूस होता ओम ये एक्चुअली ओम है जिसका जैसे मैं जो मैं कहती हूँ जाप करती हूँ यही है तो जब आप इसको पूरी तरीके से जाप करते दैट इज दिस आपको महसूस क्या हुआ आई थिंक मेरा मेडिटेशन प्रोसेस मुझे याद आता है इसको okay. सुन के uh, अब मैं एक तांत्रिक मंत्र कहूंगा ठीक ओम रीम बटुकाय आपदु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम आई फील की रीम एक तीर होती है ओ, मंत्र के लिए ऐसा न मंत्र को एक तीर पर अटैच करो और वो तीर छोड़ रहे आई फील ये मैं कह रहा इंटूटी इस मंत्र पर मैंने बहुत जाप किया बेसिकली कहते हैं कि जिस तरह से कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार है या राम राम जी विष्णु भगवान के अवतार उसी तरह शिव जी के भी कुछ अवतार होते हैं और कुछ लोग मानते हैं हनुमान जी शिव जी के अवतार है पर अवतार होने के अलावा शिव जी के भैरव होते हैं यानी कि उनकी एक प्रोजेक्शन होती है अभी म, मैं, मुझे पता नहीं मैं हिंदी में कैसे समझाऊ आप ट्राई करोगे क्या लाइक उनसे निकल के आया भैरव ठीक है अलग अलग भैरव होता है उनमें से एक भैरव है काल भैरव अलग अलग भैरव के अलग अलग होते हैं मिशन होते हैं पर सारे भैरव एक भैरव की वर्षिप करते हैं जिसका नाम है बटुक भैरव अच्छा। जिस तरह से कृष्णा का एक बाल कृष्ण रूप होता उसी तरह शिवजी का एक बाल शिव रूप है आ, और उस बाल शिव रूप को आप बटुक भैरव मान सकते अगर मैंने आपको आप एक कृष्ण भक्त हो तो कृष्ण से रिलेटेड कुछ ट्रेट्स आपके दिमाग आपके दिल में जैसे कि आप बोलो प्लेफुलनेस आई विजडम धर्म तो अगर मैंने बाट बाल कृष्ण की बात करी प्लेफुलनेस एंजॉयमेंट लव लव yeah. अभी शिव जी के कुछ ट्रेट्स बताइए मेडिटेशन एंड अंत क्योंकि वो मृत्यु है बिकॉज ऑफ सती माता और पार्वती जी आए थे पावर क्योंकि डिफरेंट बच्चा जो बच्चा पावरफुल हो वो डिफरेंट होता है तो आई थिंक वो बचपन से क्योंकि मैंने उनका जो बाल रूप क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं उनके ऊपर बट uh, जैसे माता अनुसुआ की कथा आती है जो उनका एक अवतार हुआ अंश से तो दुर्वासा ऋषि जो हुए थे वो महादेव जी के ही अंश से हुए थे माता अनुसुआ क्या बट मैंने उनके बारे में पढ़ा नहीं है बट तो ये भी एक है चाइल्ड लाइक बिहेवियर बट पावर और सीरियसनेस ये आपने क्यों कहा ये मुझे भी महसूस होता बट सीरियसनेस क्यों कहा क्योंकि वो हर वक्त समाधि में रहते हैं मतलब सबसे ज्यादा इमोशंस भी वो कई बार आपको दिखा जैसे सबसे भोले भगवान माना गया है उनको कि कि वो बहुत भोले भोले हैं सिंपल हो सकता है इधर उधर भी चीजें हो जाए जो मांग आपको पता चले कि नहीं देना चाहिए था ये भी हो सकता है जैसे भस्मासुर एक कथा है आपको अगर बताओ तो भस्मा सुर की कथा क्या है कि उसने महादेव जी की तपस्या करी और महादेव जी से वरदान मांगा कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए बिकॉज ही इज सो भोले कि वो आप जो मांगो आपको दे देते हैं उन्होंने दे दिया अब वो वहां खड़े होकर थोड़ा वेट करने लगे थे बोले क्या हुआ तो बोले मुझे ट्राई करना ही है ये तो बोले ट्राई कैसे करना है बोले पहला हाथी आपके ऊपर रखना है तो देन वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं शंकर जी एंड देन विष्णु भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं दैट इज ब्यूटी और वो ब्यूटी के सामने जब भी एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ ब्यूटी देखता है या जो कहते हैं जो काम ही होता है बहुत ज्यादा वो ब्यूटी के आगे सब भूल जाता है अपने प्रिंसिपल्स भूल जाता है अपने काम भूल जाता है अपना कार्य भूल जाता है पागल हो जाता है वो तो वो भूल गए मोहिनी अवतार एंड देन वो जब पास आने लगा भस्मासुर तो भगवान ने उनसे कहा कि नहीं अगर मेरे पास आना है तो मुझे कॉपी करना पड़ेगा एंड शी स्टार्टेड डांसिंग तो वो भी डांस करने लगे एंड देन एंड में विष्णु भगवान ने अपना ही हाथ सर पे रखा और उसने अपना हाथ अपने सर पे रख लिया तो भस्मासुर वहीं पर भस्म हो गया तो एक आ गया वो इतने भोले हैं कि कई बार वो बिना सोचे समझे भी आपको हाँ कर देते हैं कि ठीक है तुमने जो मांगा वो तुम्हें मिल गया बट वो अपने इमोशंस जल्दी से बाहर नहीं लव भी जल्दी से बाहर नहीं आप उनका कोई भी रूप देखिए तो मोस्टली उनके आंख बंद है या वो है भी तो स्ट्रेट फेस के साथ है बहुत जल्दी से आपको बहुत प्लेफुल नहीं दिखते हैं या बहुत स्माइल कृष्ण जी के आप बहुत अवत अवतार देखेंगे डांसिंग अवतार बट वो नहीं दिखते बट फिर भी उनके लिए माना गया कि एपिटमी ऑफ लव है प्यार के लिए इतना इंतजार किया इतना कुछ किया गुस्सा आता है तो तांडव करने लग जाते हैं बट वो जल्दी से दिखता नहीं है दिखता कभी ना कभी में एक बार है बाकी वो एक ही पॉस्चर में रहते हैं दैट इज सीरियसनेस या फिर आप कह सकते हैं बैलेंस बैलेंस इज की ना हंसी है ना दुख है कुछ भी नहीं है एक बैलेंस बना हुआ है दैट इज शिव जी पता नहीं अगर मैं ये सब्जेक्टिवली कह रहा हूँ मेरे दिल के अकॉर्डिंग या मेरे लाइफ के अकॉर्डिंग मेरे लिए बाल शिव का मतलब आ, पावर कम्बाइंड विद ह्यूमिलिटी है बहुत पावर देंगे पर आपको ह्यूमिलिटी भी देंगे जी। और ह्यूमिलिटी शायद आप पर फोर्स करवाएंगे लोगों को आपकी लाइफ से निकाल के आपको मुश्किल स्थितियों आ, में डाल के तो और आप आपको टेस्ट कर करके जितना ज्यादा टेस्ट पास करोगे उतना ज्यादा आपको पावर भी मिलेगा ये वैसे मंत्र कहने की एक वजह नहीं होनी चाहिए आई फील की मंत्र सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होना चाहिए भगवान से कनेक्ट होने के लिए आ, uh, पर मंत्रों में अलग पावर होते हैं और आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं इन चीजों की वजह से uh, अगर आपने तांत्रिक मंत्र और ज्यादा पढ़े रीम जैसे और बहुत सारे शब्द होते हैं फट एक शब्द होता है फट मुझे पता भी नहीं इसका मतलब क्या है पर जिस तरह से मैंने रीम को एक तीर के तीर से कंपेयर किया उसी तरह मुझे ये लगता है कि फट मतलब एक एक्सप्लोजिव एनर्जी होती है शायद आई डोंट नो और यहां मेरी स्पिरिचुअल नॉलेज स्टॉप हो जाती है दिस इज लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं इन तांत्रिक मंत्रों की वजह से आ, लोग हट रहे हैं सिचुएशंस हट रहे हैं मुश्किलें भी हट रहे हैं पर मैं क्यूरियस हूं कि लाइफ के अगले फेज में क्या होने वाला है और इन पॉडकास्ट की वजह से उस

जो शायद शायदली या कॉन्शियसली मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर हो सकती है जब मैं मैं कर रहा होता तो, पूरे कंटेंट क्रिएटर जोन में चला जाता हूँ कि क्या मैंने अच्छा सवाल पूछा है अब अग, अगला सवाल मुझे क्या पूछना चाहिए किस टेंजेंट पर लेके जाना चाहिए मेरा फोकस बहुत ज्यादा रहता है और उस वजह से शायद मैं पॉडकास्ट को कंज्यूम नहीं कर पाता शूटिंग के टाइम

प्रोग्रेस ले चुकी है कि बाहरी तौर से आपको कैसे बिहेव करना है रहना है या अंदरूनी तौर से भी अपने थॉट्स को कैसे बैलेंस uh, आउट करना है कब क्या होना चाहिए ये काफ़ी मैंने सीख लिया अब मुझे ऐसा लगता है मुझे जो कनेक्ट डिवाइन पावर से होता है वो मुझे करने का बहुत मन है कि अब मुझे आप कहते ना कि सपनों में आंसर्स नहीं चाहिए या सिचुएशंस में आंसर्स नहीं चाहिए मुझे डायरेक्ट आंसर्स चाहिए <laughs> <laughs> शायद शायद तंत्र की वजह यही होती है हाँ, हो सकता है तो मुझे डायरेक्ट आंसर्स अब चाहिए कि आप एक डायरेक्ट कनेक्शन आपका हो कैसे हो आई डोंट नो शायद सिर्फ महसूस करने में भी हो चलेगा सिर्फ एक्सपीरियंस करने में भी हो चलेगा या डायरेक्टली आमना सामना भी हो तो चलेगा बट ये आई थिंक एक नेक्स्ट स्टेप हो सकता है मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का आ, लोग शब्द से डरते हैं बिना ये जान के कि जब आप पूजा कर रहे हो जब आप एक दिया भी जला रहे हो वो भी तंत्र होता है आई होप आई एम राइट इन दिस एंड आई होप आई एम नॉट क्रॉसिंग अ लाइन इन दिस आई फील दुनिया भर में स्पेशली भारत में तंत्र की फिर से राइज हो रहे हैं और लोग फिर से अभी जान रहे हैं कि uh, तंत्र का असली मतलब क्या होता है और मैंने इस पॉडकास्ट के थ्रू जाने की तंत्र का मतलब ये है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत झट से प्रोग्रेस होने लगती है आ, हर फेज में ह्यूमन हिस्ट्री हर फेज में कुछ मंत्र कुछ डेटीज का पावर ज्यादा बन जाता है और आ, हमारे फेज में कृष्ण भगवान का पावर बहुत ज्यादा क्योंकि इतने सारे लोग कृष्ण भगवान को खोल रहे हैं पॉडकास्ट के थ्रू मैंने जाना है कि अगर महाभारत सच में हुई थी और मैं ये मानता हूँ कि हाँ महाभारत सच में हुई थी उसकी डेटिंग रफली थ्री थाउजेंड बी जितनी है मतलब पाँच हजार साल पे। okay. पर भारतवर्ष शा, शायद लाख साल एक दो लाख साल पुराना है मतलब दो लाख माइनस फाइव थाउज में बहुत सारे डीटीज थे कृष्णा भगवान जितने पावरफुल बहुत सारे लोग थे बहुत सारे एनर्जीज थे पर अब कृष्ण भगवान का फेस चल रहा है। और इसी कलयुग की वजह से दुनिया भर में बहुत सारी बुरी चीजें हो रही है वॉर हो रही आई ऑनेस्टली फील की अगले दस साल बहुत बुरे होने वाले दुनिया के लिए शायद बहुत सारे लोगों को तंत्र की जरूरत है फास्ट की जरूरत है। है ये एक रिस्की चीज भी होती है। जब आपको कोई भी चीज बहुत फास्ट या क्विकली मिलती है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप उसको एक नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं है, है, तो ईगो बहुत जल्दी आता है लेकिन जब आपको सक्सेस बहुत पेशेंस के साथ या टाइम टेकिंग प्रोसेस होकर मिलता है तो वो आपके अंदर सरलता ह्यूमिलिटी लेकर आता है हम्बलनेस लेकर आता है तो जब कोई चीज आपको बहुत झटक से मिलती है तो हो सकता है वो इमोशनली आपको एक गलत फेज में लेकर जाए तो वो भी एक डर रहता है चाहे वो तंत्र को लेकर चाहे वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को भी लेकर हो स्पिरिचुअली भी जब आपको जल्दी कुछ मिल जाए आप अपने आप को बहुत सुपीरियर मानने लग जाते हैं कि ये सिर्फ मुझे ही मिला है और मे बी आई एम स्पेशल या मैं कुछ अलग कर रहा हूं पर वो आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखाती स्पिरिचुअलिटी अगर तो मैं इसलिए कहती हूँ आप भले ही एक एक स्टेप लेकर करो धीरे धीरे करो क्योंकि जो चीज धीरे धीरे और आराम से मिलती है वो ज्यादा समय तक आपके पास रहती है तो शॉर्टकट में मिले वो रहती भी शॉर्ट समय के लिए है और मे भी आप खुद ही उसको अपने से दूर कर देते हैं बिकॉज ऑफ ओन इमोशन दोस्तों टी आर क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को टी हिंदी बहुत जल्द